सिंपली आप अपने आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से इजिली 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक यहाँ पे क्रेडिट लिमिट देखने के लिए मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको गेन इंस्टेंट आपको मनी देखने के लिए मिलेगा। 0 फोरक्लोजर चार्ज है, अगर आपके पास पैसा हो जाता है तो इंस्टेंट आप बंद भी करा सकते हो। इजी रिपेमेंट का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साथ में आपको देख सकते हो फिल बेसिक डिटेल सिंपली भरना है, जैसे आपको डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आपको अपना पैन नंबर, आधार और आपका इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ में अगर आपके अकाउंट के अंदर 20,000, 25,000, 50,000 तक अगर ट्रांजेक्शन होता है तो इजिली आप उसको भी आप फिलअप कर सकते हो, या फिर से 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आप डाल सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन है, यानी कि डिजी लॉकर से डायरेक्ट आपको क्या करना है, केवाईसी को कंप्लीट करेंगे और इजीली आपको अप्रूवल मिल जाएगा, फिर आप अपने अकाउंट को ऐड करके इजीली आप डिसबर्स करा सकते हो। सिंपली यहाँ पे देख सकते हो कि मनी इन योर बैंक अकाउंट, इंस्टेंट आपका अकाउंट के अंदर जो है पैसा यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। आप चाहे तो 36 से लेकर यहाँ पे 60 महीने तक इजिली आप अपने ईएमआई को कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि यहाँ पे इंटरेस्ट बहुत कम आपको लगने वाला है। और जितना आपको लिमिट मिलता है और उस लिमिट में से आप जितना आप चाहे उतना आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर डिसबर्स करा सकते हो, और जितना आप डिसबर्स कराओगे उसी पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसके साथ साथ इसमें ऑटो डेबिटेड का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि जब भी ईएमआई करवाते हो तो आपका जिस भी बैंक अकाउंट से पेमेंट चार्ज कटेगा वो जो है ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डेबिट कर दिया जाएगा, ताकि आपका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा लेट फाइन होने की वजह से। तो सिंपली वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बात करें दोस्तों इसका अगर रेटिंग का, तो आप देख सकते हो कि रेटिंग आपका 4.5 आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि काफी यहाँ पे इजी प्रोसेस में जो है आपका यहाँ पे क्रेडिट लिमिट देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि 2 लाख तक यहाँ पे मिल सकता है। इसका इंटरेस्ट बेसिस अगर समझना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर 1 लाख तक का लोन लेते हो और 12 मंथ का ईएमआई करवाते हो तो आपको साल का जो है 30% आपको देना पड़ेगा, और जीएसटी आपका 3% यहाँ पे लगने वाला है, यानी कि 3,000 वो लगेगा। टोटल इंटरेस्ट जो है 16,985 रुपए यहाँ पे लगेगा 12 मंथ के लिए अगर आप करवाते हो। साथ में आपका ईएमआई जो है 9,747 रुपए का जाएगा। इसके साथ साथ लोन अमाउंट आपका 1 लाख का होगा, जो कि डिसबर्स अमाउंट जो होगा 97,000 रुपीज जो है आपका, यानी कि 3% आपका कटिंग करके, यानी कि जीएसटी काट कर, और 97,000 रुपीज जो है आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। साथ में आपका लोन रिपेमेंट जो है 1,16,000 रुपए एक साल के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये आपका कुछ इस तरीके से बेसिक इसका डिटेल्स मिल गया है। इसी तरीके से अगर आप 2 लाख का लेते हो तो ये जो है 3% ही देना पड़ेगा, लेकिन 6,000 रुपीज यहाँ पे आ जाएगा। तो जितना आपका अमाउंट मिलता है, जितना आप डिसबर्स कराते हो उतना ही का आपका 3% आपका जीएसटी देना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ आप देख सकते हो आरबीआई रजिस्टर जो एनएफसी जो है यहाँ पे एसआई क्रेवा कैपिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, साथ में एमएसए फाइनेंस सर्विस है, पुनावाला फिनक्रॉप लिमिटेड है। यहाँ पे जो फाइनेंशियल सर्विस है ये आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड करवाएगी। अप्लाई करने के लिए सिंपली किस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है, बेसिक यहाँ पे परमिशन जो है एक्सेप्ट करेंगे, केवाईसी डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड से केवाईसी कंप्लीट करना है, साइन इन ऑनलाइन एग्रीमेंट करना है, अपने आधार कार्ड केवाईसी कंप्लीट करना है, इसके बाद से अपना बैंक अकाउंट को ऐड करके आप अपने अकाउंट के अंदर क्रेडिट को इजिली आप ट्रांसफर कर सकते हैं। सिंपली करना क्या है, आपको अपने फोन में किस्त इंस्टेंट लाइन ऑफ क्रेडिट एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे आप आसानी के साथ आप अपने फोन को भी फाइनेंस करवा सकते हो और आप यहाँ पे ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, डालने के बाद सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी को डालने के बाद सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद से आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। फास्ट कैश यहाँ पे 2 लाख आपका दिखा रहा है, इजी रिपेमेंट अप टू 24 मंथ्स, और लोएस्ट इंटरेस्ट जो है आपका 18%, यानी सालाना जो यहाँ पे लगने वाला। सिंपली आपको वेरीफाई और ईमेल आईडी करना है, सिंपली इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद से आपने पहले कभी अप्लाई किया होगा तो आपका पैन कार्ड ऑलरेडी यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, आपका जेंडर आ जाएगा। यहाँ पे चेंज अगर आप मोबाइल नंबर करना चाहते हो तो इजिली कर पाओगे। ईमेल आईडी को यहाँ पे वेरीफाई कराना है, वेरीफाई कराने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे बैक आना है। इसके बाद से यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, सिंपली इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद से आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल्स फिलअप करके इजिली आप यहाँ पे अप्रूवल ले सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाकर आप आसानी के साथ किस एप्लीकेशन के अंदर जो है अपना अकाउंट बना लीजिए और वहाँ से आप अप्लाई कीजिए। किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय।